एवरी एवरीवन वेलकम टू क्लैट पॉइंट लेट स्टार्ट टूडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट एल डी यू एल एल है अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देने वाले हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आज स्टूडियो में नहीं गए हैं इसलिए क्लासेस इस तो इस तरीके से हो रही है बट चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को काफी कुछ है समझने को आगे बढ़े उससे पहले आज का क्विज क्वेश्चन ले लो कल मैंने आपसे के बारे में पूछा था कि किस कंट्री ने इनिशिएट किया था तो आबे साहब जापान से ड जो है वो आपका इनिशिएट हुआ था अब मेरा आपसे आज का जो क्वेश्चन है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है मैंने आपको ईडी के बारे में बताया था मैंने आपको इसमें तीन ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट बताए थे जिसको ईडी रेगुलेट करता है देखता है जिसके ऊपर एज ए वॉचडॉग की तरह काम करता है तो उन तीनों का मुझे आप नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे विद द ईयर जब भी एज ए लॉ एस्पेरेंट आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप एक्ट पढ़ा करें तो उसका ईयर मत भूला भूला करिए ईयर याद रखना बहुत जरूरी है वहां पे भी आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है तो ये कुछ बात थी आज का देखिए जो पहला एडिटोरियल है वो है ड्राफ्टिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉसिबल ये आर्टिकल क्यों आया है देखिए अभी क्या हुआ ना चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि सेंटर जो है वो स्टेट को ऑप्रेस कर रही है और जिसके वजह से अब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है तो राइटर ने यहाँ पे काफी सारी बातें बोल के इस चीज को क्रिटिसाइज किया हुआ है और अभी हम आते हैं इस आर्टिकल के उसके ऊपर उससे पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हाथ से लिखा गया था आई होप आपको पता हो प्रेम बिहारी नारायण जी जो थे उनके द्वारा इसको हाथ से लिखा गया था यह बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है तो ध्यान रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इट वॉज अ हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोविंग्स कहा जाता है बैग ऑफ बोरोविंग्स का मतलब होता है कि आपने बहुत जगहों से बहुत सारी चीज़ें ली थी इसीलिए आपको बैग ऑफ बोरोविंग्स कहते हैं और इस पे ना किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ आप पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं जहां पे आपका पॉलिटी आता है या करंट अफेयर में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि भैया फलाना कॉन्स्टिट्यूशन आपने कहाँ से उठाया था क्या ये प्रोविजन कहाँ से उठाया था तो देखिए आपने ये चीज़ याद होनी चाहिए और बिल्कुल एग्जैक्ट आपके फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट लिया था लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है ज्यादा पावरफुल होता है अपर हाउस से मतलब राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होता है लोकसभा रिस्पांसिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड्स पार्लियामेंट प्रिवलेंस ऑफ द रूल फिर हमने यूएस से क्या उठाया था प्रियम्बल फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेचर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी आपने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था लिस्ट ऑफ कॉन्करेंट पावर्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग डेडलॉक ओवर कॉन्करेंट सब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था डीपीएसपी मेथड ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा आपने वाइमर या फिर जिसको जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हमने यहाँ से लिया है कैनेडियन से हमने लिया है प्रोविजन ऑफ ए स्ट्रॉग नेशन नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वेस्टिंग रेजोलूटरी पावर्स साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट विथ टू थर्ड मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी ऐसे होता है आपको पता होगा जिसके बारे में अलग से कभी कोई टॉपिक आएगा तो हम जरूर देखेंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी काफ़ी बेचीदा होता है और इसको भी समझा जाएगा किसी दिन अच्छे से अब थोड़ा से और फैक्ट्स देख लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तो देखिए सबसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इट टुक नियरली थ्री ईयर्स टू राइट इट डाउन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को करीबन तीन साल के आसपास लगा था दो साल ग्यारह मंथ अट्ठारह दिन अगर एग्जैक्ट बोला जाए टू कम विद द फाइनल ड्राफ्ट आज की डेट में हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो हाथ से लिखा गया था वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लाइब्रेरी में रखा जाता है हीलियम फील्ड केस से जिससे कि जो ओरिजिनलिटी है उसकी वो खराब ना हो और ये कुछ बेसिक चीज़ें आपने जानी इसके अलावा 9 दिसंबर 1946 फोर्टी सिक्स द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब है पहली बार मिली थी उस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत कहीं ना कहीं रखी गई थी और डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑल दो वो टेम्प्रेरी चेयरमैन थे पहले परमानेंट कौन थे राजेंद्र प्रसाद साहब ये ध्यान रखिएगा और हर पेज जो है हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डेकोरेट किया गया है डिजाइनर्स के द्वारा जो कि शांति निकेतन से होते थे जिसमें ब्यवर राम मनोहर जी सिन्हा एंड नंदलाल बोस ये दो नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा तो जैसे हर पेज पे देखिए डिजाइनिंग हुई हुई है और वो भी हैंड रिटन डिजाइनिंग है हाथ से करी गई है कोई उसमें आपका, आपका आर्टिफिशियली कोई पेज नहीं थे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी जैसे कि आपके सामने ये एक एक्जाम्पल है पेज का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है आप प्रियम्बल देख सकते हैं बाईस पार्ट था फोर आर्टिकल्स हैं ट्वेल्थ शेड्यूल्स हैं फाइव अपेंडिक्स हैं अमेंडमेंट्स हैं बहुत सारे लोग देखो कन्फ्यूजन होते हैं कि सर शेड्यूल क्या होते हैं जब आर्टिकल्स हैं तो वे शेड्यूल अलग से क्यों दिए जाते हैं देखो आर्टिकल्स जब कोई दिया हुआ है या फिर प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल के अंदर अब प्रेसिडेंट की जो डिटेल्स हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्या उनकी सैलरी होती है क्या क्या कैसे वो कर सकते हैं तो वो पूरा वहाँ पे लिखने लग जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा हो जाता तो फिर उसको वहाँ पे शेड्यूल के थ्रू कवर करा गया तो शेड्यूल भी अपने आप में बड़ी बड़ी किताबें हैं जो अलग से हैं अब फिलहाल क्या यहाँ पे मामला था तो मामला यही था जो मैंने आपको बताया तेलंगाना के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि इंडिया को अब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है क्योंकि सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है और जिससे कि वो स्टेट्स को ऑपरेस कर रहा है तो राइटर जो हैं अपने आर्टिकल में यही बोल रहे हैं कि स्टेट को ऑपरेस करना बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये तो बिल्कुल गलत है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है अपने जजमेंट्स में लाइक एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एन सिटी दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया लेकिन अगर सिर्फ आप ये कहो कि इसके वजह से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देना चाहिए तो ये गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत मेहनत लगी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग जगहों की चीज़ों को रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की नीड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई थी और वो जो कि जरूरी भी है लॉन्ग टर्म के प्रोसेस से देखी जाए बट ये कि जो प्रॉब्लम है स्टेट को सप्रेस करने वाली उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है अगला आर्टिकल है यूक्रेन एज ए का डॉल सेट ऑफ क्राइसिस अब ये जैसे आप देख रहे हो ना ये इसको बोलते हैं का डॉल तो इसको ये बोला जा रहा है कि मतलब बिना कुछ किए झगड़े क्राइसिस में फंस गए यूक्रेन ये बात इस आर्टिकल में कही जा रही है अब यूक्रेन क्राइसिस पता ही है ना आपको अभी क्या हुआ रिसेंटली हमने क्या अपडेट देखा कि ये लुहानसक और डोनेस्टेक करके जो जगह है यूक्रेन की जो पार्ट होती थी जहाँ पे रशियन के सपोर्टर्स रहते थे रशिया ने अपनी आर्मी यहाँ पे भेज दी है और इनको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया है अब आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है तो आगे यहाँ पे दो सिनारियों हैं दो सिनारियों ये हैं कि एक तो रशिया जो है इनको इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह छोड़ दे और अपने फायदे में यूज करे दूसरा क्या है रशिया ने जो यूक्रेन या क्रीमिया में किया था रेफरेंडम करा दे और कहे कि भैया कितना परसेंट जनता चाहता है कि हमें रशिया का पार्ट बनना है रेफरेंडम क्या है रेफरेंडम देखो दिखाने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है जो कंट्रीज यूज करती हैं बेकूफ़ बनाने के लिए इसमें क्या होता है आपसे वोट कराए जाते हैं कि कौन जो है फेवर में है किसी कंट्री के मतलब देखो रेफरेंडम का बेसिक मतलब क्या होता है रेफरेंडम का बेसिक मतलब ये होता है जनता से पता करना कि वो लोग क्या चाहते हैं जैसे कि यूके में ना रेफरेंडम हुआ था ब्रेक्सिट के मामले में कि जनता वोट दे कि ये एक्ट पास हो कि ना हो तो वो रेफरेंडम होता है तो रशिया ने क्रीमिया में क्या कराया था जब क्रीमिया को इन्होंने अनेक्स किया था ना वहाँ पे एक रेफरेंडम कराया था कि कितने परसेंट जनता चाहती है कि हमें रशिया में मिलना है और भैया वोटिंग का रिजल्ट इन्होंने ये दिया कि 94 परसेंट चाहती है कि रशिया में मिलना है और इन्होंने क्रीमिया को रशिया में मिला लिया तो इस तरीके की चीज़ यहाँ भी हो सकती है कि रेफरेंडम करा दें और पता पड़े फिर कहें कि लुहांसक डॉन्स्टक जो हैं वो चाहते हैं रशिया का पार्ट बनना और भले वो लोग ना चाहते हो रिजल्ट कुछ भी दे दें पर वो दिखाया ऐसा जाएगा कि डेमोक्रेटिकली हमने इनको अपने अंदर मिलाया है तो ये मामला है और पूरा मामला आपको पता ही है अभी मामला ये भी है कि आगे भी जा सकती हैं सेना यूक्रेन को भी कैप्चर कर सकती हैं काफ़ी टेंशन चली रही हैं और बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो मिन्स्क वन मिन्स्क टू एग्रीमेंट जो है उसको मानने को कह रही हैं दोनों कंट्रीज से मतलब दोनों कंट्रीज से तो क्या ही बोला जाए रशिया से बेसिकली और यूक्रेन से रशिया क्या चाहता है कि आप नेटो का पार्ट ना बने तो यूक्रेन बन भी नहीं रहा है अब तो काइंड ऑफ थोड़ा बैकफुट पर भी आ चुका है लेकिन तब भी रशिया जो है अपना दबदबा दिखा रहा है तो ये कुछ हमने आर्टिकल देखा इसके बाद देखिए हेल्थ से रिलेटेड एडिटोरियल आया है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए टर्म थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ आपको पता है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है देखो कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि आपका कोविड था भी ये क्या था एक दूसरे से फैल रहा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से आपको नहीं फैलते हैं जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज डायबिटीज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कैंसर अब ये आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है ना इसमें कहा जा रहा है कि कोविड के बाद ना सबका ध्यान जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर है पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर किसी का ध्यान जा नहीं रहा है जो कि गलत बात है आपका ध्यान नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर अब जाना चाहिए ना कि सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर ये तो था ही था अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इस सेक्टर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और इस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ये बात यहाँ पे कही गई है अब आगे बढ़े उससे पहले अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्लैट का मॉक क्लैट का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 2022 के लिए और क्लैट यू का ये लॉन्ग बैच चल रहा है एलेट के मॉक है क्लैट का मॉक है और अगर आप अभी ये कोर्स लेते हैं अभी हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर ट्वेंटी एथ फाइव तक टेन परसेंट का डिस्काउंट है आपको कोड यूज़ करना है सी पी टी टेन सिक्स मंथ एनिवर्सरी है इसके चलते हुए ये कोड आप लोगों को दस परसेंट डिस्काउंट दिलाएगा किसी भी कोर्स पे। अगर आप क्लैट एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है दो के लिए क्लाइट पी 2023 के लिए लॉन्ग बैच चल रहा है एलेट का मॉक हमारे यहाँ अवेलेबल है एलेट का पी कोर्स जो क्रैश कोर्स है 2022 के लिए वो चल रहा है क्लाइट पी के मॉक अब हमसे ले सकते हैं डी का हमारा एल बैच चल रहा है डी यू के मॉकस अब हमसे ले सकते हैं एन का हमारा थ्री ईयर का कोर्स uh, चल रहा है दो के लिए दो के, के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है प्लस एन के मॉक भी हमारे यहाँ से आप ले सकते हैं तो इन सभी कोर्सेज़ में इनरोल करने के लिए करना क्या है डिस्क्रिप्शन में जाना है हमारे ऐप को डाउनलोड करना है स्टोर सेक्शन में जाना है इन कोर्स को परचेज कर लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया ट्वेंटी ऑफ फेब तक टेन परसेंट का डिस्काउंट है कोड जो है वो है सी पी टी टेन ये कोड आपको यूज़ करना है अगला आर्टिकल जो है ना वो इंडिया और यू के रिलेशन से रिलेटेड है आप लोगों को याद होगा आज से चार पाँच सात दिन पहले ही मैंने इंडिया यू के बीच में ये आर्टिकल डिस्कस किया था कि दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है हमने देखा था कि इंडिया यू के बीच में कितना ट्रेड पार्टनरशिप है किन किन चीज़ों में ये आपस में इन्वॉल्व होते हैं तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे कोई एडिटोरियल आएगा किसी दिन तो फिर से रिपीट कर लेंगे देखो ये आपका यू है और ये इंडिया हमारा देश है और दोनों के रिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है वैसे तो एक चीज़ जो और है कि यूएई से भारत में रेमिटेंस बहुत आता है रेमिटेंस क्या होता है देखो रेमिटेंस जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है उस चीज़ के लिए कि जब भारतीय नागरिक दूसरे देश में जाता है काम करने के लिए और वो वहां से जब पैसा वापस भारत में भेजता है तो उससे रेमिटेंस बोलते हैं तो यू में भारतीय बहुत लोग जाकर काम करते हैं और इसीलिए रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ईडी अरेस्ट महाराष्ट्र मिनिस्टर मलिक इन मनी लॉन्ड्रिंग केस तो मैंने ईडी के बारे में आपको डिटेल में आज से दो या तीन दिन पहले ही बताया है पूरा का पूरा बताया है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखा था फॉरेन बहुत सारे एक्ट इसी में देखे थे जो ईडी रेगुलेट करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में देखा था यहाँ पे क्या इंडियाज़ स्टैंड इंडियाज स्टैंड इंडिया बैलेंस इंडिपेंडेंट सेज रशिया तो वेलकम इंडियाज़ इंडिपेंडेंट स्टैंड एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मॉस्को मूवस इन ईस्टर्न यूक्रेन देखो सब ला के ये कि भारत जो है ना रशिया हमारा देखो क्लोज़ फ्रेंड है और आज का नहीं है बहुत पहले का है आपको पता होगा कि जब 1972 में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने खड़ा था तो यूएस जो है ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने जाने वाला था और यूएस जब पाकिस्तान को सपोर्ट करने जाने वाला था ना और यूएस पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाता तो भारत वो युद्ध हार जाता लेकिन जैसे ही यू ने कहा कि हम भैया पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे रशिया ने ओपनली कह दिया था कि अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो हम इंडिया के सपोर्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो रशिया आपका आज का दोस्त नहीं है काफ़ी पुराना मित्र है काफ़ी पुराना दोस्त है और रशिया के साथ आपकी फ़्रेंडशिप बहुत पुरानी है और रशिया आपके साथ हमेशा इसीलिए खड़ा भी रहता है आप खड़े हुआ देखते भी हैं और इसीलिए इंडिया भी रिटर्न फेवर कर रहा है और रशिया के साथ अपने रिलेशन कभी ख़राब नहीं करता है इसका एक और एग्जाम्पल है कि जब यू ने कार्ड सैक्ट लगाया था अलग अलग कंट्रीज़ पे और उन्होंने कहा था कि आप रशिया से कुछ सामान मत खरीदिए तब भी हमने एस प फोर हंड्रेड मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेस किया था तो ये चीज़ें हैं फिर है मनी लॉन्ड्रिंग का ग्लोबल प्रॉब्लम ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आज देखो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे कितने सारे मामले आए हैं हमने यहाँ पे एक्ट uh, के बारे में भी देखा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी देखा ईडी के बारे में भी देखा ये सब हमने आज से तीन चार दिन पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया था आज देखिए सब वही आया हुआ है और कोई एडिटोरियल आएगा तो इसको हम रिपीट कर लेंगे बट आई डोंट थिंक इन न्यूज डेली डेली रिपीट करके मैं आपको वीडियो की लेंथ बना दू पैंतीस मिनट की कोई मतलब नहीं है आप डेली फॉलो करते होंगे तो आपको वो चीज़ रिपीट करने की जरूरत होगी एक हफ्ते बाद दस दिन बाद लेकिन दो तीन दिन में नहीं करने की जरूरत है बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हर दिन वही चीज आ रही है फिर उसको लेके खोल के पूरा एक्सप्लेन करने लग जाओ तो हाँ फिर आपकी वीडियो की लेंथ पचास मिनट की हो जाएगी लेकिन बच्चों का तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा फिर क्या है डी एम आर सी लॉन्चेज वेबसाइट मोबाइल ऐप विथ एडवांस फीचर तो दिल्ली मेट्रो मेट्रो रेल कॉपरेशन जो है इन्होंने अपनी एक ऐप लॉन्च करी है स्मार्ट ऐप लॉन्च करी है जिसमें वेबसाइट मोबाइल ऐप में काफ़ी स्मार्ट एडवांस फीचर दिखने को मिलेंगे तो एक अच्छी बात है इसके बाद देखिए यहाँ पे ना ये खजराहो की फोटो आई थी द हिंदू में तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ देखो खजराहो टेम्पल है ये कहाँ है मध्य प्रदेश में है ये चंदीला डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था ध्यान रखना डायनेस्टी का नाम क्या था चंदीला डायनेस्टी और इस मंदिर की एक खासियत है कि इसमें हिंदू स्कल्पचर प्लस जैन स्क्रप्चर मिक्स मिलते हैं अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि हिंदू एंड जैन स्कल्पचर जहां पे साथ देखे जाते हैं वो कौन सी जगह है तो ये ध्यान रखिए खजराहो आपकी ये मंदिर हैं जो आपके आंध्र प्रदेश में बने हुए हैं नाइनटीन ना वो ईयर है जब इसको यूनाइटेड नेशन की हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर दिया गया था तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये कुछ इसके बारे में हमने देखा फिर है मिलान टू बी हेल्ड ऑन वाईजैक फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ फेब मिलान क्या है मिलान एक मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज है मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज है इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है और इस बार की इसकी जो थीम है वो है। इस बार की जो थीम है वो है कैमरेडरी कोहेसन कोलाबोरेशन विच इज एम टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल मेरी पावर टू द वर्ल्ड एट लार्ज देखो आपको पता है ना इंडो पैसिफिक में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है तो वहाँ पे इंडिया इस तरीके तरह चीज़ें और भी इसलिए करता है कि थोड़ा सा बैलेंस बना रहे सबको लगे भी कि हाँ जो है Uh, इंडिया के अलावा जो है इसमें मतलब चाइना जो है वो ये उसको लगे कि कल को कुछ वो करेगा तो बहुत सारी कंट्रीज के में खड़ी हो सकती हैं अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया सिंगापुर श्रीलंका एंड थाईलैंड इन 1995 द एक्सरसाइज हैज सिंस ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्सरसाइजेज स्टार्टिंग जो हुई थी ना ये चार कंट्रीज के द्वारा हुई थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था इंडोनेशिया सिंगापुर श्रीलंका एंड थाईलैंड ने भारत के साथ फिर धीरे धीरे इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज बहुत सारी कंट्रीज आ, इंक्लूड हो गई और ये एक्सरसाइज जो है एक मल्टीलिटल एक्सरसाइज बन के सामने आ गई रशिया भी इसका पार्ट है अभी और यूक्रेन में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है लेकिन स्टिल रशिया भी इसका पार्ट है यहाँ पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है लास्ट पेज पे नासास प्लान टू तो डी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 तक था भी प्लान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है ये देखिए भारत में कहीं बना हुआ है नहीं ये स्पेस में एक स्पेस स्टेशन है जो कि ओन किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा रशिया के द्वारा यूरोप के द्वारा जापान के द्वारा कनाडा के द्वारा ये इन लोगों की जो ए, स्पेस एजेंसीज़ हैं जैसे यूएस की नासा हो गई रोसोमोस की जल्दी बताओ तो ऐसे से करके ये कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज इनको ओन करती है पर ये पुराना हो चुका है तो इसको 2024 तक रिप्लेस करने की बात थी चाइना इस स्पेस एजेंसी का इस स्पेस स्टेशन का पार्ट नहीं है तो चाइना अपना अलग बना रहा है जिसका नाम है थियांगोंग स्टेशन और भारत ने भी कहा है कि 2030 तक वो अपना अलग से स्पेस स्टेशन बना लेगा तो लेट्स सी इस पे क्या होता है फिलहाल यहाँ पे तो जो न्यूज़ है वो यही है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिकमीशन किया जाएगा तो आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया काफ़ी कुछ सीखा काफी कुछ पढ़ा आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं मैंने आपको फिर से बोला है ट्वेंटी ऑफ फेब तक आप लोगों के पास टेन का डिस्काउंट है हमारे किसी भी कोर्स मॉक में सी पी ई टी टेन ये कोड आपको यूज़ करना है आप डिस्क्रिप्शन से जाके हमारी ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप इस कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं हमने कुछ अच्छे रिटोल डिस्कस किए कुछ नया सीखा और कुछ नया सीखने की हमारी कोशिश रहती है मैं इसलिए रिपीटेटिव चीज़ें कम करता हूँ रिपीट तब करता हूँ जब कम से कम एक हफ्ते से ऊपर हो जाता है जो कि डेली डेली आप यूक्रेन क्राइसिस को मैं आपको चाहूँ तो पंद्रह मिनट समझा सकता हूँ डेली पंद्रह मिनट समझा दूंगा पर मतलब है क्या कुछ नहीं है ना वो तो डेली आएगी न्यूज़ में बट हमने उसको पढ़ लिया है ना अब वो दस पंद्रह दिन का हो जाएगा तो फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे और ये सब चीज़ें हमने आज के सेशन में देखी थैंक यू सो मच गाइज हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए जय हिंद जय भारत